क्या आप हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं? क्या किसी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से आपको हेयर लॉस हो रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कोई विटामिन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हेयर लॉस हो सकता है क्या? आइए आज हम न्यूट्रिशनल या विटामिन डिफिशियंसी और हेयर लॉस के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर धनंजय चव्हाण, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी। दोस्तों, हेयर लॉस बहुत ही कॉमन फिनोमेनन है। बहुत सारे पेशेंट हम देख रहे हैं, यंगर पेशेंट देख रहे हैं। हेयर शेडिंग आपके हेयर ग्रोथ साइकिल का ही एक हिस्सा है। कभी कभी हेयर लॉस को हेयर शेडिंग और सब एक इसमें हो जाता है। दिन में 5-50-100 बाल हेल्दी पर्सन में झड़ना बहुत ही नॉर्मल फिजियोलॉजी है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा बाल झड़े हुए और आपके ज्यादा बाल झड़ रहे, वो पूरे वापस नहीं आ रहे, वापस नहीं ग्रो हो रहे, एक्सेस हेयर लॉस से, एलोपेशिया से आप सफर कर रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है? देखिए, हेयर लॉस के कई सारे रीजंस है, मोर देन 100 रीजंस आर देयर। पर कॉमनली हेयर लॉस के जो मेन रीजंस है उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हेयर लॉस ये सिचुएशन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या जेनेटिक से भी हो सकते हो, हार्मोनल रीजंस या कुछ मेडिकेशन या उनके कुछ साइड इफेक्ट्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हेयर लॉस हो सकता है। कोई मेजर इलनेस के बाद या बहुत सारे डिसीजेस में या ऑटो इम्यून कंडीशंस के बाद या कंडीशन में हेयर लॉस हो सकता है उनमें से। लेकिन एक कॉमन रीजन है जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट है जिनकी डिफिशियंसी की वजह से हेयर लॉस हो सकता है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट विटामिन है विटामिन बी फैमिली। विटामिन बी फैमिली में बहुत सारे विटामिन आते हैं, उनमें से हेयर लॉस के हिसाब से इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन बी 5 यानी पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन बी 6 यानी पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी 7 यानी बायोटिन, ये तो आपको फेमिलियर है, विटामिन बी 9 यानी फोलेट और विटामिन बी 12। ये सब विटामिन हेयर ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और ये विटामिन वाटर सोल्यूबल है, बॉडी में ज्यादा स्टोर नहीं किए जाते, इसलिए एक्सेप्ट बायोटिन जो हमारे बॉडी में हमारे गट फ्लोरा में तैयार होता है। बाकी सब विटामिन हमें बाहर से फूड या सप्लीमेंट सोर्स से ही लेना पड़ता है। हमारा रोज का इंडियन फूड, बैलेंस डाइट, इससे सफिशियंट मात्रा में आपको विटामिन मिलते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन फॉल्टी डाइट की वजह से हमें इन विटामिन की कमी हो सकती है और हमारे बाल झड़ सकते हैं। ये सब विटामिन हमारे वेलबींग और गुड हेल्थ रखने में मदद करते हैं। ये विटामिन मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और ब्रेन से लेकर सेल मेटाबॉलिज्म तक हर एक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ब्लड फंक्शन यानी कि ग्रोथ ऑफ रेड ब्लड सेल और हार्मोन की प्रोडक्शन में विटामिन बी फैमिली एक अहम रोल निभाती है। हेयर के पैपिला के सेल ग्रोथ, नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल ब्लड सप्लाई टू हेयर और हेयर के प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए ये विटामिन बी मदद करते हैं। ये बालों को स्ट्रांग बनाने में और बालों का टेक्सचर इंप्रूव करने में मदद करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ विटामिन बी फैमिली के विटामिन हमारे रूटीन फूड में अवेलेबल होते हैं, इसलिए हमारा डाइट अगर बैलेंस है तो हमें इनकी डिफिशियंसी के चांसेस कम रहते हैं। वेजिटेरियन फूड जैसे कि दूध और मिल्क प्रोडक्ट, दही, पनीर, चीज, होल ग्रेन्स एंड सीरियल्स, स्पेशली गेहूं, जवार, बाजरा, मक्का वगैरह, इनमें विटामिन बी सफिशिएंट मात्रा में मिलता है। इसके साथ साथ सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनेच, स्वीट पोटैटोज, मशरूम, सभी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भी विटामिन बी के अच्छे सोर्सेस है। नॉन वेजिटेरियन फूड में मेनली अंडे, चिकन, मटन, लिवर, फिश,
सी फूड ये विटामिन बी के इम्पॉर्टेंट सोर्सेस है। अभी दूसरा एसेंशियल विटामिन देखते हैं, वो है विटामिन ई। यह एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, बी वाटर सोल्यूबल, जो आपके सेल्स और टिश्यू को फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचाता है। फ्री रेडिकल्स बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो आपके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को भी डैमेज करते हैं। विटामिन ई ब्लड सर्कुलेशन को भी थोड़ा इम्प्रूव करता है, इसलिए विटामिन ई की कमी से आपके हेयर डैमेज हो सकते हैं और आपके बाल कुछ हद तक झड़ सकते हैं। विटामिन ई फ्री रेडिकल डैमेज को कम तो करता ही है और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। हमारे डाइट में विटामिन ई मेनली वेजिटेबल ऑयल में मिलता है, उसमें से इम्पॉर्टेंट है सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये सब इम्पॉर्टेंट है। सभी प्रकार के नट्स, मेनली पीनट्स यानी कि मूंगफली और वेजिटेबल में, ऑल ग्रीन वेजिटेबल इंक्लूडिंग स्पिनेच, पालक और ब्रोकोली जो मैंने, इनमें ये रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है विटामिन ई। विटामिन ई ये आपके स्किन, टीथ, बोन और बालों के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करता है। इसकी डिफिशियंसी की वजह से आपके बाल ड्राई और डल, फ्रीजी बन सकते हैं। विटामिन ए ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, यह आपके बालों की ग्रोथ को और स्टिमुलेट करता है। लेकिन ध्यान में रखिए, विटामिन ए ज़्यादा कंज्यूम करने से भी प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा विटामिन ए की वजह से हेयर लॉस भी हो सकता है। वेजिटेबल्स, ऑरेंज, इवन कैरेट मेनली, पम्पकिन और स्वीट पोटैटो में विटामिन ए की मात्रा अच्छी तरह से मिलती है। कॉड लिवर ऑयल या बीफ लिवर या लिवर विटामिन ए के मेन सोर्सेस है। अगला यानी चौथा न्यूट्रिएंट है विटामिन डी। यह आपके ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल मेंटेन करने में मदद करता है और आपके हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करता है। रिसर्च से यह पता चला है कि विटामिन डी बालों की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से डिप्रेशन, फटीग, इंसोम्निया, मसल वीकनेस और हेयर लॉस मेनली होता है। डेयरी प्रोडक्ट और अंडे विटामिन डी के अच्छे सोर्स है। काउ मिल्क, मशरूम, सीरियल्स और नॉनवेज में मच्छी यानी कि फिश और सी फूड में विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी टू सब्जियों में ज़्यादा मिलता है और विटामिन डी थ्री सनलाइट और अंडे से हमें मिल सकता है। ज़्यादातर विटामिन डी सप्लीमेंट में मेनली विटामिन डी थ्री होता है। अब पांचवा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आयरन। यह एक एसेंशियल मिनरल है जो रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में मदद करता है। आयरन डिफिशियंसी बहुत ही कॉमन है इंडिया में। यह न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है जिससे आपके बॉडी में खून की कमी से ऑक्सीजन का सप्लाई भी फिर कम हो जाता है। स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने की वजह से हेयर लॉस होने लगता है। आयरन हेल्दी सर्कुलेशन को मेंटेन करने में भी मदद करता है, हेयर फॉलिकल को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है, हेयर ग्रोथ को वो प्रमोट करता है। आयरन डिफिशियंसी की वजह से हेयर लॉस ज़्यादातर महिलाओं में कॉमन दिखता है। मोर देन 70% महिला जो एनीमिया से सफर करती है उनमें हेयर लॉस दिखाई देता है। अगर आपको आयरन की कमी है तो आपके डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे, डाइटरी चेंजेस रिकमेंड कर सकते हैं। अपने डॉक्टर के पास जाकर आयरन लेवल चेक कीजिए। डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना कोई भी सप्लीमेंट ना ले, अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उनकी सलाह ले लीजिए। इवन आयरन नॉन वेजिटेरियन फूड में रेड मीट, लिवर और किडनी, शेलफिश, एग, चिकन, ये सब कुछ आयरन के मेन सोर्स है। वेजिटेरियन फूड में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मटर, ब्रोकली, पीनट, इवन पालक, जैगरी, स्पिनेच, पीज और ड्राई फ्रूट्स में आयरन अच्छी मात्रा में होता है। आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स भी अभी मिलते हैं, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। विटामिन सी आयरन को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है, इसलिए अपने डाइट में ऐसे फूड इंक्लूड कीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट है। अभी छठवां न्यूट्रिएंट देखते हैं, वो है मैग्नीशियम। यह बालों को बायोकेमिकल रिएक्शन में
बालों के बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में मदद करता है, प्रोटीन और एनर्जी प्रोडक्शन में भी मदद करता है। यह मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और बालों के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसके डिफिशियंसी की वजह से वीकनेस भी आ सकता है जो हेयर में भी आता है और हेयर लॉस हो जाता है। सातवां न्यूट्रिएंट है, इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। यह एसेंशियल फैटी एसिड में से ही एक है। यह आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यह आपके बॉडी में तैयार नहीं होता, इसलिए आपके डाइट में सभी तरह के इवन फिश, कॉड लिवर ऑयल, ऑयस्टर, सालमन फिश, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन वेजिटेरियन सोर्सेस में फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट, किडनी बीन, सोयाबीन अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए, वो मिल जाएगा। यह आपके बालों को थिक बनाता है, बालों को वॉल्यूम देने में भी मदद करता है। इंपॉर्टेंट थिंग है, इन्फ्लेमेशन को कम करके हेयर लॉस प्रिवेंट करने में भी ये हेल्पफुल है। इसकी कमी की वजह से बाल थिन होने लगते हैं, बालों का वॉल्यूम कम होने लगता है। अभी आठवां न्यूट्रिएंट देखते हैं, वो है जिंक। यह एक ट्रेस एलिमेंट है जो आपके सेल्युलर रिप्लिकेशन और प्रोटीन के प्रोडक्शन में भी सपोर्ट करता है, जिससे आपके बालों की अच्छी ग्रोथ हो सकती है। यह सर्टन हेयर लॉस में बालों की रीग्रोथ करने के लिए बहुत फायदेमंद है। जिंक का डाइटरी सोर्स है मेनली नॉन वेजिटेरियन फूड, जैसे कि रेड मीट, शेलफिश, सी फूड या रूटीन अंडा, और वेजिटेरियन फूड में होल ग्रेन्स, दाल, बीन्स, नट्स, मेनली कैशनट, सालमोन, पंपकिन सीड्स, लेग्यूम्स के, ये विटामिन जिंक के सारे मेन एलिमेंट्स। नवा मिनरल है सेलेनियम। यह एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है और ज्यादातर स्पिनेच यानी पालक, एग्स, चिकन में पाया जाता है। यह आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। यह हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करने वाले एंजाइम्स को बनाने में भी मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो डैमेज को रिवर्स करने के लिए और यूजफुल बनता है। यह फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज को भी कंट्रोल करता है। सेलेनियम आपके हार्मोन लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करता है, इवन ग्रोथ प्रमोट करता है। नॉन वेजिटेरियन फूड में सी फूड, चिकन, एग्स, पोर्क, इनमें सेलेनियम की मात्रा हाई होती है। वेजिटेरियन फूड में बीन्स, पीज, नट्स, सोया प्रोडक्ट और ड्राई फ्रूट में सेलेनियम की मात्रा बहुत अच्छी रहती है। अभी दसवां और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है कौन सा है, वो है प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन आपके बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन बॉडी के ग्रोथ और सेल रिपेयर में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ज़्यादातर केसेस में हेयर लॉस का मेन रीजन प्रोटीन डिफिशियंसी ही होता है। यह आपके टिश्यू हेल्दी रखने के लिए बहुत क्रूशियल है। प्रोटीन आपके बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट तो करता ही है, और आप जानते हो कि बाल केराटिन नाम के प्रोटीन से ही मेनली बनते हैं। तो अगर प्रोटीन की बॉडी में कमी है तो आपके बाल कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, टूटने लगेंगे या आपके बाल तैयार ही नहीं होंगे, और जो बाल सर पर है वो जल्दी झड़ने लगेंगे। नए बाल तैयार होने में भी डिफिकल्टी होगी क्योंकि प्रोटीन ही नहीं है, कैसे तैयार करें। तो दोस्तों, यह रहे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिसकी डिफिशियंसी की वजह से हेयर लॉस होता है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको हेयर लॉस और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर आपके कोई भी और सवाल है तो आप हमारे वेबसाइट www.hairmdindia.com पर पूछ सकते हैं। मेरी टीम और मैं आपके जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। भाइयों और बहनों, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए कोई भी प्रोसीजर करने से पहले या दवाइयाँ लेने से पहले आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। देखिए, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हेयर लॉस आना बहुत ही कॉमन है। कई बार लोग बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए इन न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट इयर्स टुगेदर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास एक बार तो जाइए, अपने हेयर लॉस का बेसिक रीजन ढूंढिए, कौन सा हेयर लॉस है वो देखिए, आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है या नहीं, या आपके डॉक्टर प्रॉपर एग्जामिन करने के बाद ही आपको बता सकते हैं, या कोई और रीजन है। कई बार ज्यादा न्यूट्रिशन होने की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, इसीलिए सही मात्रा में सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है।
अपने डॉक्टर की सलाह से, डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए और सही मात्रा में न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट लीजिए। हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लीजिए। डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ड्राई नट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स इनकॉर्पोरेट कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एक सिंपल मीट फिश खाइए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, आपका हेयर लॉस जरूर कम होगा। हेयर लॉस बहुत सिंपल वे से ट्रीट किया जा सकता है। बाल्डनेस होने के पहले, गंजापन होने के पहले उसे ट्रीट करो, उसे जानिए। हेयर लॉस कैसे होता है, क्यों होता है, हेयर साइकिल क्या होती है, रोज का झड़ना ये हेयर लॉस है या शेडिंग है, इसके बारे में भी जानिए। आप नॉलेजफुल बनिए, देन आप देखिए आप हेयर लॉस का सामना बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपका हेयर लॉस न हो, हेयर हेल्दी रहे, अच्छे हेयर आपके सर पर हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहे, इसी आशा के साथ, फिर मिलने के वादे के साथ मैं आपकी रजा ले लेता हूँ। धन्यवाद। All the best.